आईपीएल 2023 के 15वें मैच में इस समय आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने हैं। इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में आरसीबी के कप्तान फॉग डू प्लेसी ने प्लेइंग 11 में कई बदलाव किए हैं। वहीं आरसीबी की तरफ से एक स्टार खिलाड़ी डेब्यू कर रहा है जो आईपीएल में लगभग 9 साल बाद खेलता हुआ आपको दिखाई देगा। आरसीबी के लिए साउथ अफ्रीका के वेन पॉर्नेल डेब्यू कर रहे हैं। टीम में उन्हें रीस टॉपली की जगह शामिल किया गया था। आरसीबी से पहले आईपीएल में वह दिल्ली कैपिटल्स और पुणे वॉरियर्स की टीमों के लिए खेल चुके हैं। पॉर्नेल ने आईपीएल में अपना आखिरी मैच साल 2014 में खेला था। अब वह 9 साल बाद आईपीएल में मैच खेल रहे हैं। वेन पॉर्नेल ने अभी तक आईपीएल के 26 मैचों में 26 विकेट हासिल किए हैं, जिसमें 27 रन देकर 3 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है। वहीं उनका इकोनॉमी रेट 7 के आसपास है। व्यापारी की शुरुआत में काफी कमाल की और काफी किफायती बॉलिंग करते हैं। आरसीबी को पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ 81 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। अब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आरसीबी के कप्तान फॉग डू प्लेसी ने प्लेइंग 11 में कई बदलाव किए हैं। उन्होंने माइकल ब्रिसवेल, कर्ण शर्मा और आकाश दीप को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं अनुज रावत, वेन पॉर्नेल और महिपाल रोमरोर को जगह मिली है। वैसे आपको क्या लगता है, रॉयल रेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स में कौन जीतेगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।